बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बड़े ही बेहतरीन अभिनेता मेरे प्रेम भाई है ना, जिन्हें आपने कई सिनेमा में अभी देखे हैं, और रजनीश जी जो हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आज हम सब मिलकर मैं मैके चले जाऊंगी इस फिल्म की शूट करने। सबसे पहले तो हम बताएंगे साहब कि यह बड़ा ही पारिवारिक सिनेमा बन रहा है, और इस पारिवारिक सिनेमा में हम लोग अलग अलग किरदार में नज़र आने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं अपने किरदार के बारे में बाद में बताऊँगा, क्योंकि मेरे दो भाई बैठे हुए हैं इस वक्त और मैं चाहूँगा कि प्रेम भैया सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँ, फिर रजनीश भैया के पास जाऊँगा। अच्छा रजनीश भैया, अच्छा रजनीश भैया, मैं चाहूँगा कि भोजपुरी सिनेमा आपने बहुत सारे किए हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँ कि हम दोनों जो कर रहे हैं आपको आपके साथ कैसा लग रहा है जरा बताइए। नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, और भोजपुरी सिनेमा का जो है अनुभव पिछले 15-16 साल से मैं कर रहा हूँ, और ये नेक्स्ट लेवल में पहुँच चुका है, और ये फिल्म जो है मैं मायके चली जाऊंगी, बहुत ही अच्छी मूवी बन रही है। एक पूरा फैमिली ड्रामा है, शादीशुदी का पूरा एक माहौल है इसमें, और दिनेश जी निरोवा जो है फिल्म के नायक हैं, नागरपाली जी नायिका है, और इश्तियाक शेख पट्टी जी इस फिल्म के जो है निर्देशक हैं। तो काम बहुत सॉलिड हो रहा है, आजमगढ़ में हम लोग बैठे हैं इस वक्त, और जो है एक बड़ा खुशनुमा माहौल है शादीशुदी वाला, ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोग विवाह का फंक्शन ही अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। तो बाकी जहाँ तक सिनेमा की बात है, तो मुझे लगता है कि अभी पहले जिस लेवल का काम होता था और आज जिस लेवल का काम हो रहा है, क्योंकि दो दशक से मैं भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली फ़र्क आ गया है। पहले हम टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड नहीं थे, आज की तारीख में इतने साउंड हो गए हैं, हमारा काम इतना क्वालिटी वाला हो गया है कि जो दूसरी इंडस्ट्री के जो दूसरा प्रादेशिक सिनेमा है उसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे लेवल में जाके बैठते हैं, और हमारी फिल्म और हमारा जो दायरा है इस भोजपुरी सिनेमा का, वो जो है बहुत ज़बरदस्त है, और उस वजह से हमारी इंडस्ट्री बड़ी समृद्ध है, और जो हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से सब्सिडी दे रही है योगी राज में, जिस तरह से हमको जो है सिनेमा को और फलने फूलने का मौका मिल रहा है, तो वो अद्भुत है, और उस वजह से लगातार इन दिनों काम है। और हम लोग, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ काम करने के लिए, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ, तो वो एक हम लोग के लिए एक रिदम बहुत अच्छा बन गया है। जी एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ से आप हैं, तो ये मैं मायके चली जाऊंगी, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं इसको? मैं मायके चली जाऊंगी बोलेंगे तो मैं उसको मायके को मायका ही बोलते हैं। एक्चुअली क्या है, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी दो बहनें हैं, कई शब्द से मैं मायके चले जाऊं, तो वहां मायके चले जाऊं, जैसे मान लीजिए टाइटल है भैया कि मैं मायके चली जाऊं, तो आप छत्तीसगढ़ी में इसको अगर टाइटल रखना चाहें, मैं मायके चली जाऊं, मैं मायके चली जाऊं, और ये हमारी भोजपुरी में है, मैं मायके चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा, तोला मायके कहां जाता है सर? वो दूसरे की तरह मायके कवर जाता है, वो अलग है, ये बोलता है कि मैं मायके चली जाऊंगी, तो मैं मायके चली जाऊंगी। ये जो प्रेमी है ना, ये ऐसे चोंच मारते क्यों, डेढ़ साल इंडस्ट्री में वहां भी रहे, हर लैंग्वेज का इनको नॉलेज है। बहुत लंबे समय से शुभम भैया के साथ सोच रहा था काम करूं, और आज सौभाग्य है कि भैया के साथ मैं नेतृत्व में काम कर रहा हूं। इस सिनेमा में मेरे पाहुन हैं, और ये रजनीश भैया के साथ तो काम किए थे, लेकिन भोजपुरी में नहीं किए, भोजपुरी बहुत लंबा टाइम है, दोनों बड़े भाई के साथ इनके में हम काम कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। और इस समय उत्तर प्रदेश की धरती में जो हल्का मचा हुआ है, जो माननीय योगी जी की कृपा से यहाँ बम बम चल रहा है, उसका तो कोई कहने का वो ही नहीं है, बिल्कुल महान है। बड़ा आजमगढ़ शूटिंग का गढ़ बना हुआ है आजमगढ़, हजारों फिल्में मतलब यहाँ शूट हो रही हैं। इस समय हमारे जितने भोजपुरी के सांसद हैं, चाहे रवि भैया हैं, गोरखपुर में तहलका मचाए हुए हैं, वहाँ शूटिंग का, पवन जी, खेसारी जी, तमाम सिनेमा वहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ आजमगढ़ में शूटिंग का गढ़ बना दिए हमारे माननीय निरहो जी, लगातार शूटिंग चल रही है, जितनी खैर दिनेश भैया का तो जितनी फिल्में चल रही हैं यहीं पर शूटिंग चल रही है। जौनपुर में तो ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब आ चुका है, एक जगह जौनपुर जिला में 5-5 फिल्में एक साथ शूटिंग चल रही है। ये सब आज जो कुछ है सब्सिडी देने की वजह से सारे मतलब सिनेमा लाइन को यहाँ उत्तर प्रदेश में बुला लिए अपनी भोजपुरी माटी में। एक चीज और आता है,
पहले भी सिनेमा हम लोग करते थे गुजरात उजरात जाकर, ऐसा नहीं भोजपुरी नहीं रहता था, लेकिन वो जो खुशबू अब आ रहा है, देखिए ना कल वो तिलक के टाइम पे जो लगा भीड़ इकट्ठा गाँव में लगता है ना, तिलक चढ़ने आता है तो भीड़ हो जाती है, औरतें सज धज के आती है, मतलब बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसे कृपा महाराज जी बनाए रखें और बस मजा आता रहेगा। जी बिल्कुल प्रीमियर, बिल्कुल सही बात का है, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस सिनेमा को। आप जैसे जानते हैं कि दिनेश लाल यादव जी हमारे सांसद साहब इस सिनेमा के हीरो है, नायक हैं, आम्रपाली जी नायिका हैं, और उसके बाद आम्रपाली जी के भाई का रोल कर रहे हैं और मेरे सारे साहब का रोल कर रहे हैं, पाँव जी है ना, इनके पाँव बने हुए और भैया है, सभी लोग मेरे पिताजी का। एक बड़ी प्यारी लाइन है, मैं दिनेश भैया को बोलता हूँ गाओ पावन के पावन जी, वो भी मुझे बताया और वो डबल सार। तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं प्रवीण जी, प्रवीण सिन्हा जी जो बिहार के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो इस फिल्म के निर्माता हैं और बड़े करीबी मित्र हैं हमारे, और मैं चाहता हूं कि ऐसे पारिवारिक सिनेमा में जैसे मेरे को मुझे जाना जाता है बेसिकली, एक साफ सुथरी सिनेमा करते हैं, अच्छी फिल्में करते हैं, बड़ा मजा आता है। हाँ मजा आता है भैया, और मेरा ये धीरे धीरे ड्रीम पूरा होते जा रहा है कि हमारा भोजपुरी सिनेमा साफ सुथरा बने, ये मेरी पहले से इच्छा। यार साफ सुथरा तो इतना साफ सुथरा हो गया, इतना साफ सुथरा हो गया कि मुझे जो लग रहा है कि अब इस समय यूपी बिहार भोजपुरी की जितनी ऑडियंस थी वो सीरियल देखना बंद कर दिए हैं, सिर्फ भोजपुरी फिल्में देख रहे हैं। ये साफ ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है, मतलब ये हाहाकार। आप अपने परिवार के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, मतलब बहुत जबरदस्त। हमें एक चीज याद होता था जब सीरियल आता था तो औरतें बोलती थी अरे हमारा टाइम है 8 बजे वाला छूट ना जाए, लेकिन आज मुझे याद आता है, धन्य है भोजपुरी, सलाम करता हूँ, कि लोग बोलते हैं वो शांत रहा शनिवार को वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर हो गया वाला फलाना पिक्चर वाला था, हम छोड़ अपना चाहिए जो ना बहुत निम्न लगा था, और वो लोग यही तरह से सिनेमा देखत रही और हमन के हौसला बुलंद करत रहे, कहे कि हमने कलाकार रोवन के चलते आज जेबानी से ये जबानी से रोवन लोग से ही हम गुजारिश करम कि रोवन लोग देखी और हमने की इस सिनेमा जरूर देखम। इसलिए देखिएगा कि मैं मायके चली जाऊंगी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसलिए देखिए कि इतना गुरूर भी नहीं होना चाहिए। मेरी माँ एक लाइन बोलती थी, मेरी माँ की लाइन मुझे बहुत याद है, मेरी माँ बोलती है कि मर जाना लेकिन ससुराल छोड़ के मत आना, वहाँ का पानी और यहाँ का सोना बराबर होता है, ससुराल का एक गिलास पानी और मायके का अजरी भर सोना, दोनों को अगर वो करोगे दौड़ोगे तो पानी जो है भारी रहेगा सोना नीचे, ये संस्कार है, संस्कार है। तो मायके चले जाओ, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं मायके चली जाऊंगी, हर परिवार ये बोलेगा नहीं बेटी मायके नहीं ससुराल में ससुराल बिता लो। चलिए पॉजिटिव सिनेमा है, पॉजिटिव सिनेमा है, इसका अर्थ ये कहा गया है कि बेटा जैसे तुम्हारा ये घर है मायके है ना, वैसे ही ससुराल है, एक्चुअली ससुराल को भी मायके ही समझो, एक्चुअली ससुराल पहला घर है, वो दूसरा हो जाता है शादी के बाद। आप लोग जरूर देखिए सिनेमा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि बंटी जी का सिनेमा है तो बंटी जी के निर्देशन में कुछ कड़िया तो अलग होती है, मजा आएगा, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, मिलते हैं सर, नमस्कार।